कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया था। नमस्कार, आज हम हैं हरियाणा के पानीपत जिले में, जहां पर हुए थे तीन ऐतिहासिक युद्ध जिसने भारत की तकदीर बदल दी। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठे दुर्भाग्यपूर्ण हार चुके थे। भारत में वैसे तो कई लड़ाइयां हुई, लेकिन पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में बहुत तरीकों से किया जाता है। पानीपत की लड़ाई ऐसी थी जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। दिल्ली के तख्त के लिए पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसे कहते हैं कि इस लड़ाई में भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में विदेशियों की सत्ता स्थापित नहीं होती। परंतु ये दुर्भाग्य ही था कि शक्तिशाली होते हुए भी वो लड़ाई कुछ कारणों से हार गए। जब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उनके 5000 सैनिक मारे गए। इस लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था और बाबर का दिल्ली एवं आगरा में दखल हो चला। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में सेनापति हेमू और अकबर के बीच में। कहा जाता है कि उस समय सेनापति हेमू के पास अकबर से ज्यादा सैन्य ताकत और हाथी हथियार थे, उसके बावजूद भी कारणवश हेमू हार जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि उस समय सेनापति हेमू की आंखों में तीर लग गया, जो उनकी हार का कारण बना। अपने राजा को इस अवस्था में देखकर सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर और बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो चला। तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसने भारत के भाग्य का निर्धारण किया 1761 में, जब मराठे हार गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराज भाऊ पेशावा के बीच हुई। इस लड़ाई में सदाशिवराज भाऊ को हार का सामना करना पड़ा। ये हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार रही। पर क्यों हारे थे मराठे, क्या कारण रहे? मौसम, खाने की सप्लाई ना होना, नीति पर एक मत न होना। मराठे हर तरफ सफलता का झंडा गाड़ रहे थे। लगातार जीत की वजह से उन्होंने शासन तंत्र का ख्याल नहीं रखा, जो कि इनकी हार का एक मुख्य कारण रहा। अब्दाली की राजनीति और दुश्मनों के साथ दोस्ती काफी गहरी रही, जिसके बाद भारत के राजाओं ने मराठों का साथ नहीं दिया।